आजकल के बच्चे ना बावड़े हो चुके हैं। तो कैसे हैं आप लोग? पता है जब मैं अपने स्कूल से थक हार के मरी गिरी हालत में वापस आता हूं तो मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कौन करता है? आप लोगों के कमेंट्स इतने सेक्सी होते हैं ना कि भाई मेरे से रहा नहीं जाता वीडियो बनाए बिना। जैसे कि ये एक कमेंट है, साला भान का लान, तेरा गांड दम नहीं है कुछ करने का, थोखोई और कर रहा है उनका थो करना था। एक और कमेंट है इस बच्चे का, और तू गुजर हो ही नहीं सकता, भान का लांड आ गए सा, ऐसे वीडियो बना थो गार में आखा। यार मेरा होमो बकचोदियन ट्रांसलेटर भी टूट चुका है। अब जो ये बंदा कह रहा है भाई राज बन के रह गया। खैर आज हमारी मार्केट में हार्पिक के साथ फिनाइल भी है, आप लोगों को कल वाले बच्चे तो याद ही होंगे। है ना, तो उनका मैंने चैनल पहले नहीं खोला था कभी भी, लेकिन आज मैंने इन लोगों का चैनल खोला और दो चार वीडियोस देखी। और भाई जिंदगी एक बहुत बड़ा झूठ है। जिंदगी एक ऐसा बच्चा है जिसकी लुल्ली तो बहुत बड़ी है, लेकिन वक्त आने पर भाई धोखा दे जाती है उस बच्चे को ही। तो भाई शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो भाई पहली वीडियो का नाम है बटलर द राइज ऑफ इवल। भाई टाइटल से ही पता चलता है कितनी डरावनी वीडियो होगी, है ना, यही एक्सपेक्ट करते हैं सब लोग। लेकिन भाई एक बार नजर डालो इस वीडियो पे। इनकी शक्ल पे मत जाना भाई, बहुत ही बदमाश नटखट ईविल बच्चे हैं ये लोग। भाई इन पे मायावी शक्तियां हैं। एक बार ये लोग मिट्टी चाट रहे थे और भाई किसी ने पकड़ लिया इन्हें चाटते हुए, कहा कि भाई मुंह खोलो, और जब इन्होंने मुंह खोला ना, पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखा उस बंदे को। आप लोगों को पिछली वीडियो में तो याद ही होगा कि कैसे एक बच्चा साइडवेज खड़ा होकर ह्यूमर देने की कोशिश कर रहा था वीडियो के अंदर। तो इस बार इस बच्चे का काम है ह्यूमर देना, कैप्रीज में जो खड़ा है। यार कमाल ह्यूमर है इन लोगों का, सही बता रहा हूं। मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, हाउ फन। तो ये दो बच्चे साइकिल पे बैठ के रेस कर रहे हैं और टाइटल का नाम है राइज ऑफ द ईविल। कितना शैतानी काम हो रहा है ना भाई। आप लोगों को लग रहा होगा भाई क्या यार कुछ नहीं हो रहा, साइकिल पे चाह रहे हैं ये लोग भाई, या शैतानी काम का हो रहा है। भाई शैतानी काम क्यों नहीं हो रहा भाई, काले चश्मे भी तो पहन रखे इन लोगों ने, आपने नोटिस नहीं किया? यही तो शैतानी काम है। तो दो 12-13 साल के बच्चे रेस कर रहे अपनी सोसाइटी के अंदर बिल्कुल सेफ, मतलब एक ईंट भी नहीं है वहां पर, और भाई मिसाइल गिर जाती है एक बच्चे पे पूरी की पूरी। मतलब बॉर्डर मूवी चल रही है, वहां से सनी देओल आएगा तुम पे मिसाइल फेंकेगा। यार क्यों करते हो तुम ऐसे काम? और फिर भाई देखना जब वो बच्चा गिर जाता है तो भाई क्या ट्यूनिंग आती है। अरे बेवकूफो, जब कोई प्राणी उड़ने की कोशिश करता है तब देते हैं ये ट्यूनिंग, लेकिन तुम यार फिकर क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना, मैं करता हूं यार तुम्हारी गलती को सही। एंड भाई तुम लोग ना यार इनकी वीडियोस को हल्के में ले रहे हो भाई। ये जो एंडिंग थी ना, ये साबित करती है भाई ये फ्रेंच सिनेमा में बनाएंगे मूवीज, भाई बता रहा हूँ यार, गारंटी है मेरी, लिखवा के ले लो मेरे से। खैर इनकी दूसरी वीडियोस पे आते हैं। अब दूसरी वीडियो का नाम है पीपल रिएक्ट टू बॉम्ब इन अ बैग इन इंडिया। अब आप लोगों ने तो ऐसे प्रैंक्स देखे होंगे जिसके अंदर भाई एक बंदा बैग लेके जाता है, काला सा बैग है ना, और स्ट्रेंजर्स के ऊपर फेंक देता है और फिर भाग जाता है छोड़ के, और उन्हें लगता है उसके अंदर बम है ना। तो भाई ऐसा ही कुछ है, अब थोड़ा सा लगे पता नहीं क्या है यार, बस देखो यार। Hey!
पहली बात तो भाई कितना हैप्पी म्यूजिक है वीडियो के अंदर, मतलब भाई कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं हम, इलीगल नहीं है जो हम कर रहे हैं भाई, बिल्कुल सही कर रहे हैं। कितना फनी है, हाउ कितने लोग भाई फनी मानते हैं इस चीज को भाई, ह्यूमर बहुत तगड़ा है हमारा भाई, हम बनेंगे यूट्यूबर है ना। और दूसरी बात, किसी को परवाह नहीं है सही में भाई, बैग पड़ा हुआ है फेंक दिया, किसी को परवाह नहीं है भाई बैग के अंदर क्या है भाई। मस्त, बहुत मस्त भाई। आप लोगों ने कभी सोचा है भाई एक प्रैंक कितना बुरा हो सकता है तुम्हारे सामने? यार इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई प्रैंक बुरा हो सकता है, इतना नकली, इतना घटिया, इतना बेकार। यार मैंने तो नहीं देखा आज तक प्रैंक भाई, किसिंग प्रैंक चलता है, वो होमो बकचोदियन वाला प्रैंक भी चलता है, लेकिन भाई ये गलत है, ये चीज बहुत गलत है। मतलब भगता हुआ आया बैग की तरफ है ना, उसकी तरफ अपना फोन पॉइंट किया और फिर भाई भाई बच्चा आया और उसने अपना बैग फेंक भी दिया और ये बंदा खड़ा है वहां, बस खड़ा है ये बंदा, उसे समझ में नहीं आया क्या हुआ। भाई साहब बुरी तरह फेल हुआ इनका प्रैंक, बुरी तरह भाई रगड़ दिया भाई। अब आते हैं भाई आखिरी वीडियो पे, इस वीडियो को देख के ना आपका YouTube से ना विश्वास उठ जाएगा, मैं लिखवा के ले लो भाई, विश्वास उठ जाएगा आपका YouTube से। हाउ टू पिकअप गर्ल्स लिटरली, अब आपने ऐसी भी वीडियो देखी होगी जिसके अंदर भाई बंदे लड़कियों को उठाते हैं, दो सेकंड के लिए चलते हैं और फिर उस बाद में उनसे नंबर मांग लेते हैं ना, लेकिन ये बहुत अलग है, ये यूनिक है, बहुत यूनिक। मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, कहीं पर भी अगर आप लोगों को ऐसे बच्चे बकचोदी मारते हुए दिखें, प्लीज उन्हें वहीं के वहीं रोकिए, क्योंकि यही बच्चे जो आपकी सोसाइटी में क्रिकेट खेलते थे और आपका ही शीशा फोड़ते थे, बड़े होके होमो बकचोदियन में विकसित हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कहीं पर भी आप लोग इन बच्चों को ऐसी हरकतें करते हुए देखें, फौरन रोकिए, ना होमो बकचोदियन बने ना दूसरों को बनने दे। तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक मारो, और अगर नए हो ना तुम लोग, मैं बता रहा हूँ अगर तुम लोग नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने से मेरी चौड़ बढ़ती है, और फिर भाई अगर ये लोग मुझे अटैक करते हो तो भाई बच जाऊँगा ना मैं, तुम्हारी वजह से है ना, तुम्हारी वजह से तो बचूंगा मैं। चलो ठीक है, अब मैं भी जा रहा हूँ भाई, गर्मी इतनी हो रही है ना, मैं बता रहा हूँ, मैंने टी शर्ट उतार रखी है, इतनी गर्मी हो रही है, पता नहीं क्यों बताया मैंने। खैर छोड़ो, बाय। मोहित भाई लगा भाई कुछ अच्छा सा। Want you to stay, make things the same. I can't live my life alone. Can't live my life alone. I just can't live my life alone. No, 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 no. Can't live my life alone. Struggling without you, can't you see? Looking at old pictures of you and me. I know you heard it all before, but it's a new me. Tossing and turning all night, getting no sleep. I wish I could turn back.
one.